हेलो दोस्तों, डीपली अध्ययन के इस एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बीते दिनों की ही तरह एक बार दोबारा फैक्ट्री के टूर पर ले जाकर कुछ बेहद ही कमाल की चीजों को लाइव बनते दिखाने वाले हैं। वेल, गुड्स प्रोडक्शन की इस हैरत अंगेज प्रोसेस को देख आपको बेहिसाब मजे तो आएंगे ही, साथ ही आपके ज्ञान में भी जबरदस्त विस्तार होने वाला है। तो दोस्तों, बगैर एक भी सेकंड स्किप किए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आइए नंबर एक पर आपको दीदार कराते हैं मैग्नेट्स मेकिंग प्रोसेस का। अरे क्या वो बचपन के दिन याद है ना आपको, जब मैग्नेट्स हमारे लिए एक अचंभे का विषय कम बल्कि एक खिलौना ज्यादा हुआ करती थी। और उस दौर में भी हम इसे देखकर अक्सर यही सोचा करते थे कि आखिर इस चमत्कारी चीज को बनाया कैसे जाता होगा। तो लो जी, पेज से आपके लिए मैग्नेट्स प्रोडक्शन की ये कंप्लीट प्रोसेस। वेल दोस्तों, फैक्ट्रीज में इन मैग्नेट को बनाने के लिए सबसे पहले इनके मॉल्ड्स यानी सांचों को तैयार किया जाता है, जिसके लिए एक कास्टिंग मशीन के नीचे रेत यानी सैंड को भरा जाता है, और जिसके बाद इस चैम्बर के भीतर कच्ची रेत के सख्त हो जाने के बाद ढेर सारे मॉल्ड्स बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि एक मैग्नेट को बनाने के लिए सात अलग अलग मेटल्स यानी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर, निकिल, आयरन, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसी धातु शामिल होते हैं। बहरहाल इन सभी को एक भट्टी में डाला जाता है, जिसके बाद इस भट्टी को 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर तपाया जाता है, जिसके महज 5 मिनटों में ही सभी मेटल्स पिघल जाते हैं। और उसके बाद एक स्टीयरिंग रोड के जरिए ये वर्कर सभी मेटल्स के मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फाइनली अब बारी आती है इस लिक्विड मेटल को मॉल्ड्स यानी सांचों में डालने की। जैसे ही इन मॉल्ड्स में ये मेटल भरे जाते हैं, इन मॉल्ड के चारों ओर आग की एक लपट सी आ जाती है, जिसे कि आगे चलकर इन सांचों से निकालकर पंखों की हवा में ठंडा कर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और यहीं पे हमारी मैग्नेट अपनी मैन्युफैक्चरिंग के आखिरी चरण में पहुंचती है, क्योंकि दोस्तों अब बारी है इन मैग्नेट्स को मैग्नेटाइज की प्रक्रिया से गुजारने की। दरअसल इसी प्रक्रिया में सात मेटल्स का ये मिश्रण एक एक्चुअल मैग्नेट में बदलता है। तो इसके लिए सबसे पहले रिंग मैग्नेट को एक मोटर के यूज्ड कॉपर पाइप पर अलाइंस किया जाता है, जिसके बाद उस कॉपर पाइप को एक मोटे मेटल ट्यूब में डाला जाता है, साथ ही उस ट्यूब को पूरी तरह से सिलिका सैंड से भर दिया जाता है, और अंत में सीमेंट का इस्तेमाल करके ट्यूब के दोनों एंड्स को सील कर दिया जाता है, और इस ट्यूब को एक फर्नेस यानी भट्टी में रख दिया जाता है, जिसके बाद उस ट्यूब में ये हाई वोल्टेज डीसी करंट को गुजारा जाता है, और फाइनली हमारी मैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाती है। और अब इस ट्यूब से बाहर इसे निकालकर सैंड पेपर से पॉलिश करके स्मूथ बना लिया जाता है, और आखिर में हमारे सामने होती है वही मैग्नेट जिसके हम बचपन में कितने दीवाने हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, आइए अब नंबर टू पर आपको दिखाते हैं मार्वल्स यानी कंचे कैसे बनते हैं। दोस्तों, यकीनन बचपन के दिनों में आप लोगों ने इन्हीं कंचों से खेल वक्त बिताया होगा, तो क्यों ना एक निगाह इन आकर्षक और बेहद ही मनमोहक दिखने वाले कंचों की मैन्युफैक्चरिंग पर भी डाल ली जाए। सो लेट्स गेट डाइव इनटू इट। वेल दोस्तों, इन कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल के तौर पर ग्लास ग्रेनुल्स यानी कांच के छर्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ये वर्कर इन फर्नेस यानी भट्टियों में निश्चित मात्रा में इन ग्लास ग्रेनुल्स को ऐड करते हैं, जिसके 15 मिनट बाद ये ग्रेनुल्स एक थिक कंसिस्टेंसी के ग्लास डफ में बदल जाते हैं, जिसके बाद उस ग्लास डो को अलग अलग शेप में कास्ट किया जाता है। कॉन्स्टेंट रोलिंग और ड्रैपिंग से कांच के डो आकर्षक स्पाइरल डिजाइन ले लेता है।
एंड देन फिर इसके बाद इस ग्लास डो को इस स्टिक पर रोल करके एक लंबी लोई के शेप में बदल दिया जाता है, जिसके बाद इन दोनों ही सिरों को आयरन रोड पर चिपका कर कुछ यूं घुमाया जाता है कि उसमें एक आकर्षक और सुंदर स्पाइरल डिजाइन बनकर तैयार हो जाए। वेल फाइनली अब इन ग्लास डो को एक्चुअल कंचों में कास्ट करने की बारी आती है, जिसके लिए सबसे पहले ये फायर मास्टर फर्नेंस से अपनी मास्टर रोड में थोड़े से ग्लास डो को उठाकर उस बेंट में डाल देता है जहां ऑलरेडी पहले से ही 5 अलग अलग रंगों की वायर्स मौजूद होती हैं। उसके बाद इस ग्लास डो को रोलिंग टेबल पर रोल किया जाता है और फाइनली उसके बाद मार्वल्स को रोड से काटकर अलग कर लिया जाता है और ऐसे फाइनली तैयार हो जाता है ये मार्वल्स जिनसे आप बचपन में खेला करते थे। जी हाँ दोस्तों, एंड फाइनली गाइस नंबर 3 पर आपको दिखाते हैं सीमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। वेल दोस्तों, नो डाउट सीमेंट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ये वो चीज है जिसकी बदौलत दुनिया भर में छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाता है। मगर इस गजब के एडहेसिव सॉल्यूशन को बनाने का असल राज क्या आप जानते हैं ये कैसे बनता है? नहीं तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रिवील करते हैं कि कैसे बनता है सीमेंट। वेल दोस्तों, इन फैक्ट्रीज में सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक रॉ मटेरियल जैसे लाइम स्टोन, क्ले और मरल आदि को जुटाया जाता है और इन सबको हासिल करने के लिए ये मशीन्स और वर्कर्स इन माइंस की तरफ रुख करते हैं जहां इनके खैपों को एक्सट्रैक्ट कर फैक्ट्रीज तक लाया जाता है। और जब ये सभी रॉ मटेरियल इन फैक्ट्रीज की चार दीवारी के बीच पहुंच जाते हैं तो इनकी प्रोसेसिंग की शुरुआत की जाती है, जिसके लिए फर्स्टली इन सभी चीजों को एक मिक्सिंग डिजेस्टर में डालकर एक साथ ग्राइंड और मिक्स भी किया जाता है, जिससे कि इन सभी एलिमेंट का एक फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। वेल, अब इसके बाद जब ये सभी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के आखिरी स्टेज में पहुंचते हैं तो इन्हें एकत्रित कर एक रेंजिंग किलिंग से गुजारा जाता है। दरअसल ये क्लीन मशीन एक स्पिनर का ही काम करती है जो इस पूरे प्रोसेस के फाइनल एंड प्रोडक्ट को मील और मिक्सअप कर सीमेंट सॉल्यूशन को तैयार करती है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान इस क्लीन में 1450 डिग्री सेंटीग्रेड के हीटिंग एक्शन भी अंजाम में होते हैं। बहरहाल इस सब के बाद ये सीमेंट बनकर बिल्कुल तैयार होता है, जिसे कि फर्दर इस पैकेजिंग मशीन द्वारा 50-50 किलो के अमाउंट में डिस्पेंस कर बोरों में भर दिया जाता है और कुछ यूं बनकर तैयार होता है ये ब्लैक सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।